तो आज की हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिस्ट बॉक्स टेक्निक के बारे में। तो लिस्ट बॉक्स टेक्निक हमारा आज का चैप्टर है, चलिए इसके बारे में एक बार हम डिस्कशन करते हैं। हालांकि आप लोगों ने लिस्ट बॉक्स के बारे में तो जानते ही हैं कि लिस्ट बॉक्स क्या करता है, लेकिन उसके कुछ टेक्निक है जो कि हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे और इसके लिए हम आपके साथ इस क्लास में हैं। तो चलिए हम बात करते हैं लिस्ट बॉक्स टेक्निक। लिस्ट बॉक्स टेक्निक में सबसे पहला ऑप्शन आता है, अब ये तो पता नहीं कि लिस्ट बॉक्स में हम डेटा कैसे ऐड करते हैं। हेलो, हाँ सर पता है। तो चलिए लिस्ट बॉक्स के अंदर डेटा कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ कि नेम पूजा रवि कविता नीरज, ऐसे कुछ नाम है। मैं यहाँ पे लिस्ट बॉक्स यहाँ इस पे जाके लेता हूँ डेवलपर बार में इंसर्ट मॉड्यूल्स और यहाँ हम मॉड्यूल्स माफ कीजिएगा हमारा यूजर फॉर्म होगा ना, हम यूजर फॉर्म को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम लिस्ट बॉक्स ले रहे हैं। तो लिस्ट बॉक्स में तरीके बहुत है, लेकिन यहाँ रो सोर्स में हम जाके डाल के ले सकते हैं अपना डाल सकते हैं। तो यहाँ रेफरेंस क्या होगा कि C12 में A1 से A6, यहाँ C1 A1 से A6। अच्छा कंट्रोल सोर्स में डाल रहे थे, माफ कीजिए हमें रो सोर्स में डाल रहे हैं। हेलो जी, हेलो हाँ सर, ज्वाइन क्लास स्टार्ट है, ज्वाइन भी नहीं किया आपने। बोलना है गो टू मीटिंग का नहीं है, वो जूम ऐप का है लिंक। लिंक को जो लिंक भेजा मैंने उस लिंक को प्रोसेस कीजिए, मोबाइल से कर रहे हैं तो जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट बॉक्स में आ गया नाम, बात यहाँ पे चलती है कि अगर मेरे पास मल्टीपल कॉलम हो तो कैसे करें। तो जैसे कि मैं यहाँ पे मान लीजिए कि सिटी भी डाल देता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे लिस्ट में सिटी भी आना चाहिए, और सिटी के अलावा मान लीजिए मैंने डाल दिया एरिया, एरिया भी आना चाहिए। तो मैं चाहता हूं अपने डेटा में मल्टीपल कंडीशन, ठीक है, लिस्ट में। तो सबसे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूजर फॉर्म पे अपने लिस्ट बॉक्स के अंदर में आपको यहाँ पे जो आइएगा तो कॉलम काउंट दिख रहा है आपको, कॉलम काउंट को मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे नीचे हेलो जी,
क्या कोशिश कर रहे हैं मेरे दिमाग, हमारी एडवांस एक्सेल की जो क्लासेस होती है ये ऑनलाइन होती है जूम ऐप से, जो कि आप अपने घर पे ले सकते हैं लाइव इंटरेक्टिव 1-2। हाँ डीवीडी है हमारा, डीवीडी आप परचेज कर सकते हैं। हाँ तो IPTIndia.com पे जाइए और डीवीडी परचेज कर। उसको डिग्री आपको मिलेगी, आप उसमें रजिस्ट्रेशन कॉपी करना कर दीजिए। IPTIndia.com पे जाइए ना, वहां पे कोर्स कंटेंट दिख जाएगा, उसमें सब चीज दिख जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल जो हमारा ये होता है कॉलम, हम इसको इस तरह से डाल सकते हैं। आप थोड़ा सा डिजाइन के बारे में इसकी बात कर लेते हैं, इसके डिजाइन क्या है। तो लिस्ट बॉक्स में आते हैं, लिस्ट पर वो सिलेक्ट करते हैं, तो यहां पे लिस्ट स्टाइल, इस लिस्ट स्टाइल पे आते हैं। अब मैं इसको नीचे वाला सिलेक्ट कर लेता हूं कि इस तरह से चेक बॉक्स हो जाएगा। रेडियो बटन होना है ना आपको यहां पे, तो रेडियो बटन क्यों आया, क्योंकि अभी मैंने इस पे जो सिलेक्शन किया है वो सिलेक्शन किया है, मतलब कि इसमें मल्टी सिलेक्ट क्लिक नहीं है, मतलब कि इसमें एक से ज्यादा सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं हमें। ये अब यहां पे हम इसमें आएगा आपको मल्टी सिलेक्ट, मल्टी सिलेक्ट इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, कर लेता हूं मल्टी सिलेक्ट। तो मल्टी सिलेक्ट में तीन पार्ट है, अगर दूसरा पार्ट हमने सिलेक्ट किया, अब ये दिख नहीं रहा आपको, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं तो दिखेगा। देखिए हम यहाँ पे मल्टी सिलेक्ट दिया हुआ है, तो इससे क्या होगा कि हम अपने इसको यूजर फॉर्म में लिस्ट बॉक्स के अंदर में मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात इसमें एक चीज और आती है कि मल्टीपल सिलेक्ट में एक तीसरा पार्ट जो आपने देखा था मल्टी सिलेक्ट का, एक्सटेंडेड, तो इस एक्सटेंडेड में क्या खासियत है कि अगर आपने इसको सिलेक्ट कर लिया तो क्या होगा इसमें कि अगर आप शिफ्ट के साथ क्लिक करोगे तो एक्सटेंड होगा। जैसे यहां पे आपने क्लिक किया और शिफ्ट के साथ अगर मैं यहां पे क्लिक किया तो तीनों सिलेक्ट हो। ठीक है सर, ओके सर। तो इसमें तो डेटा ऐड करना और मल्टी सिलेक्ट करना, मल्टी कॉलम करना ये आपने सीखा, लेकिन डिजाइन पर्पस से था, कोर पर्पस से नहीं था। अब इसकी कोडिंग के बारे में हम आपको बताएंगे कि मल्टीपल सिलेक्ट हुआ तो कैसे हम उसकी वैल्यू ले वगैरह वगैरह, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे के चैप्टर्स में। ठीक है, अब बात करते हैं कि लिस्ट बॉक्स में यूनिक रिकॉर्ड कैसे ऐड किया जाए। आता है आपको यूनिक रिकॉर्ड ऐड करना? नहीं नहीं आता सर। दस सर, एच कॉलम हमारा है, इस एच कॉलम में मंथ है और मंथ मैंने ऐसे इसको डाला हुआ है, 70 है
लेकिन एक मंथ कई बार रिपीटेड है ना। और लिस्ट बॉक्स में मुझे मंथ का कॉलम ऐड करना है, यहां पे मैं इसको डिलीट कर दूं। मैंने आप एक नया लिस्ट बॉक्स लिया और हमने इसको ऐड किया। अब मुझे इसमें जो करना है लिस्ट बॉक्स के अंदर में, मंथ चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो मंथ है तो यूनिक होना चाहिए इसमें, तो एक रिजल्ट दो एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हम यूजर फॉर्म पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। अब यहाँ पे लूप चलाते हैं, क्योंकि लूप चलाएंगे कई सारे तो लूप चलाना पड़ेगा ना हमको, क्या सर? इससे पहले मुझे एक करना पड़ेगा डिम, हमने बोल दिया डीपी एज ए न्यू कलेक्शन। अब न्यू कलेक्शन क्या है समझ गए आपको? ये एक एरे फॉर्मेट है, इसमें हम एक से ज्यादा वैल्यू असाइन कर सकते हैं। आपको पता होगा कि हम एरे पे एक से ज्यादा वैल्यू असाइन कर सकते हैं, एरे पता है ना आपको सर? लेकिन वो एरे मतलब एक वैल्यू से एक वैल्यू अगर दो बार है इसको आइडेंटिफाई नहीं करता, दोनों बार ले लेता है। तो न्यू कलेक्शन भी एक एरे तरह एरे ही है। इसका काम क्या है कि एक जो वैल्यू सेल वैल्यू उसमें डली हुई है, अगर दोबारा उसमें डलती है तो एरर आता है। मतलब ये रिपीट वैल्यू को साइन नहीं करता है, तो शो नहीं करता, सॉरी। फोर आई इक्वल टू चले, वन टू चले, रेंज एच 65,000 डॉट एंड एक्सेलरेट अप डॉट रो, ठीक है। और हमने बोला डीपी डॉट एड, और एड में इसमें देना होता आइटम। तो यहां पे हमने दे दिया रेंज एच के साथ कंबाइन हो जाएगा आई डॉट वैल्यू। लेकिन इसके एक और भी है कि इसमें मुझे ए भी देना पड़ता है, की देना पड़ता है, मतलब कि कन्वर्ट करना पड़ता है इसमें, तो हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया कि रेंज एच के साथ कॉन्कैटेनेट है आई डॉट वैल्यू, वो ब्रैकेट क्लोज करना है उसमें। यहाँ ब्राइकर देने की जरूरत नहीं है, स्पेस, ठीक है। और नेक्स्ट आई, क्लियर सर? इसमें एरर आ सकते हैं, तो यहां पे हमने कर दिया ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है। और फिर यहां लगाऊंगा फोर इच आइटम इन डीटी और मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट एड आइटम, और यहां सॉरी डॉट एड आइटम, और यहां पे हमने कर दी आइटम, और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट आइटम होगा, राइट? क्लियर है, कोई डाउट इसमें? हेलो,
जिसमें लिस्ट बॉक्स हम यूरोप को प्ले करते हैं। यहां पे देखिए एक मंथ एक ही बार है, दो बार नहीं है। यूनिक वैल्यू को जैसे लिस्ट बॉक्स में आप ऐड करेंगे, इसका एक एग्जांपल है। इस कोड में कोई दिक्कत है आप लोगों को तो बताइए। सर एक बार फिर से कोड, कोड को एक बार स्टडी कीजिए, तो कोई दिक्कत हो तो बताइए। सर एक बार ये डीटी डॉट रेंज डीटी डॉट एड रेंज बताता, समझिए कि आपके देखिए एक वेरिएबल है, जैसे कि आपने कर दिया d इक्वल टू 10, वापस d इक्वल टू 20 करेंगे तो 10 को रिप्लेस करके 20 करेगा, राइट? ओके। अगर आपको दो वैल्यू साइन करवानी है तो उसके लिए हम लोग एरे लेते हैं कि d 1 to 5, राइट? तो हम यहां पे करते हैं d 1 इक्वल टू 10 और d 2 इक्वल टू 20, राइट? अब मान लीजिए कि मैं d 3 इक्वल टू अगेन 10 कर दिया तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, क्लियर है? लेकिन एक अगर मान लीजिए आपको भाई अगर 10 नहीं लेना है, अगर 10 आया तो दिक्कत हो जाए, तो उस केस में हम करते हैं कि dim dt एज ए dt की जगह कुछ भी ले सकता हूं मैं, न्यू कलेक्शन, न्यू में कलेक्शन है, ठीक है? अब वो क्या होगा, अब dt यहाँ पे डॉट एड, इसमें क्या होता है एड करना होता है, एड कौन सा आइटम, तो हमने बोल दिया 10, ठीक है? इसमें हमें की देना होता है CSTR, क्योंकि क्या होता है कि कोई वैल्यू नंबर हो गया, कोई टेक्स्ट हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए सबको हमें स्ट्रिंग में डालना होता है, समझे? हमने सबको स्ट्रिंग में डाल दिया। तो अब जैसे कि इस जैसे इस पे अगर हमने dt डॉट एड यहां पे 20 किया और यहां पे CSTR 20 कर देता हूं, और फिर जैसे मैं वापस इसमें 10 डालूंगा, जैसे यहां पे 10 डालूंगा तो सिस्टम एरर देगा, ठीक है ना? एरर क्यों डाल देगा, क्यों? ये चेक करेगा कि 10 ऑलरेडी है इसके पास, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि देते हैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, इससे क्या है? इससे क्या होगा कि जिस लाइन में अब कोड में एरर होगा उसको ऐड ही नहीं करेगा, मतलब कि डुप्लीकेट वैल्यू ऐड ही नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सारे के सारे वैल्यू किस पे जमा हो गए, डीटी पे जमा हो, ठीक है? अब उसको मुझे वापस लिस्ट बॉक्स में डालना है ना, तो उसके लिए हमने एक फोर इच लगाया कि फोर इच आइटम, जो कि एरे में लगाते हैं एरे नहीं लगाते हैं, आइटम इन डीटी, और फिर मैंने बोल दिया कि मी डॉट लिस्ट बॉक्स आइटम और फिर नेक्स्ट आइटम दूसरे आइटम, तो ये लूप कितना बार चलेगा, जितना इसके पास वैल्यू होगा, समझे? yes, अभी भी कोई डाउट है? तो इसको एक बार एक्सप्लेन कीजिए, और जो बुक मैंने आपको भेजा है जो कि आप बोलने का आपको नहीं मिला है, हाँ वो प्लीज एक बार, एक्चुअली मैंने मेल भी किया था कि वो मुझे फॉरवर्ड कर देना, सबको किया था, मतलब अपने सेशन में जो जो है, तो मैंने उसी से मैं आपके सामने में बुक भेजा था।
ये बुक है, ठीक है। सर, इसमें मैं एक बार देखिए ना, मैं नहीं हूँ शायद सर। नहीं, ये तो किसी और को भेजा हुआ है, फॉरवर्ड ओके किया था मैंने। जी, ओके ओके। मैं सबको भेजता हूँ कि कोई कहेगा नहीं बुक नहीं मिला मुझे। इस बुक का लिस्ट बॉक्स ऑटोमेशन जो है इस बुक के पेज नंबर 496 में है, ठीक है। तो 496 से कंटिन्यू 8-10 पेज को आप पढ़िए, इसमें आपको पता चल जाएगा। और कल की क्लासेस में हम आपके साथ इस लिस्ट बॉक्स की और भी बारे में हम डिस्कस करेंगे, सर ठीक मेगा है। पे अपलोड कर देना वीडियो, बस थोड़ा देर में अपने लिए आता है, अभी 10 मिनट, मेगा पे 10 मिनट अपलोड कर देना वीडियो। में वीडियो अपलोड हो जाएगा। और आप लोग अगर सेलफोन से नहीं ज्वाइन करोगे तो ये ऐप के थ्रू आप खुद भी रिकॉर्ड कर पाओगे, ठीक है। सर वो मैंने एक आपको फाइल भेजी थी, आपने देखी क्या? और नहीं सर, नहीं देख पाया फाइल। सर बस 5 मिनट का टाइम, मैं मतलब एक क्वेश्चन था वो, तो फिर मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, आप एक बार मुझे बस बताएंगे बताइए क्या? क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताइए। सर एक्चुअली लिस्ट बॉक्स है, दो दो लिस्ट बॉक्स है, तो मैं ये चाहता हूं कि सपोज लिस्ट बॉक्स 1 है, उसमें कोई वैल्यू जैसे हमारा करेक्ट, डिपेंडेंट कॉमा डिपेंडेंट लिस्ट बॉक्स आते हैं ना आप। हाँ, तो अब इसकी डिपेंडेंट लिस्ट, वीडियोस तो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। नहीं, सर उसके आगे डिपेंडेंट लिस्ट बॉक्स तो मैंने बना लिया, उसके बाद क्या हो रहा है, मुझे एक ऐसा वैलिडेशन लगाना है उसमें कि जब सेकंड लिस्ट बॉक्स सिलेक्ट हो तो उसके साथ ही वहां पे टाइम भी आ जाए डबल क्लिक इवेंट के साथ। टाइम यस, हाँ, तो जैसे ही अगर मैं उस सेकंड लिस्ट बॉक्स पे डबल क्लिक करूं उस आइटम पे, तो वो टाइम के साथ आए। तो टाइम कहां पे जाता है यार। टाइम मैंने जहां पे जो कॉलम उसके लिए दिया हुआ है, मैं आपको एक बार बताऊं क्या वो हाँ तो सिंपल सा है, जैसे डबल क्लिक करते उसमें उस रेंज पे आवे कर दो ना, डबल क्लिक इवेंट पे डाल, डबल क्लिक इवेंट पे डाल दो कि वहां पे आपके एरिया में आपका ये दे देगा, टाइम दे देगा, रेंज डाल देगा, डेट डेट का टाइम है, नाउ डाल दीजिए। नाउ कोड होता है जो कि सिस्टम डेट एंड टाइम दिखाता है। सर वो नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं एक बार आज आप जैसा बता रहे हैं वैसा ट्राई करता लेकिन क्या हूँ। होगा, जैसे कि अब मैं बता देता हूँ, जैसे आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे टाइम आ जाए, ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे मैं एक बार आपको लिस्ट जो फॉर्म लेता हूँ, मैं ये लिस्ट बॉक्स है, मैं चाहता हूँ कि इस पे जैसे डबल क्लिक करो मुझे टाइम आ जाए, ठीक है। तो वो मैंने टाइम क्लिक रिकॉर्ड हो जाएगा। किया और क्लिक के जगह पे मैंने डबल क्लिक किया और मैं लिखा यहाँ पे रेंज आई पापा चले गए, आई मम्मी भी जा रही थी। 65,000, एक सिर्फ क्लिक चाहिए ना आपको, इसलिए एक पर्टिकुलर लोकेशन में चाहिए तो डायरेक्ट लिख दीजिए, लेकिन अगर एक के नीचे एक नहीं चाहिए तो ये मेथड अपनाइएगा। ओके, 1,0 बाय। डॉट वैल्यू इक्वल टू नाउ, बस। अब जैसे यूजर फॉर्म प्ले होगा मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा, टाइम आ गया, आ रहा है ना सर। ओके सर, ओके। अब इसको आप अपने हिसाब से जो आपका प्रॉब्लम है उसके हिसाब से यूटिलाइज कर लीजिए, ठीक ओके सर, है। ओके, बाय, सी यू टुमारो। थैंक यू।